सूर्य ग्रहण से पड़ने वाला प्रभाव दुष्प्रभाव। दीपावली के अगले दिन होने जा रहे वर्ष के अंतिम सूर्य ग्रहण को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है, कहा जा रहा है कि महाभारत युद्ध से पहले ऐसा ग्रहण हुआ था जिस पर मार्तंड वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष तथा विश्वविख्यात आचार्य डॉक्टर सुनील पेन्यूली ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। हालांकि राजनीतिक उथल-पुथल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि कुछ राशियों के लिए ग्रहण सही साबित नहीं होगा। नवभारत समाचार विकास नगर से आशा रावत की रिपोर्ट। आचार्य जी, ये जो दिवाली के तुरंत बाद सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो रही है और इसको लेके जो लोगों में कुछ भ्रम भी है कि ये महाभारत के समय में ऐसा हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए और स्थिति के बारे में बताइए कि वास्तव में सच्चाई क्या है। ये सारी बातें सोशल मीडिया पर आ रही हैं और ये जो इस समय ग्रहण पड़ रहा है, महाभारत में 13 दिन के अंदर 2 ग्रहण हुए थे, किंतु यहाँ पर क्या है कि 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण है और 8 नवंबर 2022 को चंद्र ग्रहण है, तो दोनों की जो समय अवधि है वो लगभग 15 दिन की है। महाभारत में जो नरसंहार हुआ, जो हानि हुई राष्ट्र की, उसमें 13 का जो अंक था उसका बड़ा ही योगदान था, क्योंकि 13 का जो अंक है वो हमारे शास्त्रों में अशुभ बताया गया है। लेकिन इस बार जो ये 2 ग्रहण पड़ रहे हैं इनमें लगभग 15 दिन की अवधि है और जिस तरह की ग्रहों की स्थितियां महाभारत काल में थी, इस समय ग्रहों की वैसी प्रतिकूल स्थिति नहीं है। और आचार्य जी, दूसरी बात ये बताई जा रही है कि ये ग्रहण के बाद काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल और विश्व युद्ध होने की आशंका जो जताई जा रही है, या काफ़ी जन हानि और धन हानि, इसके बारे में थोड़ा सा आप स्पष्ट कीजिए कि वास्तव में इसके बारे में सच्चाई क्या है। ये जो सूर्य ग्रहण है ये तुला राशि पर पड़ रहा है, स्वाति नक्षत्र पर पड़ रहा है। स्वाति नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो राहु हैं, तो ये तो निश्चित है कि इस सूर्य ग्रहण के बाद दुनिया में कई जगह उथल पुथल मचेगी, किंतु यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसको लेकर के जो अति भयानक स्थिति के बारे में जो लोगों का आकलन है वो गलत है, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण में कुछ अच्छे ग्रह भी हैं जिनके केंद्र में अच्छी स्थिति है और जिसकी वजह से जैसे कि बताया जा रहा है कि एटम बम का जो है रशिया डाल सकता है यूक्रेन पे, तो ऐसी स्थिति जो है नहीं होगी। और ये जो सूर्य ग्रहण है ये तुला राशि में पड़ रहा है, तुला राशि के स्वामी शुक्र।